हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने सीखा था क्रेडिट नोट वाउचर। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं जर्नल वाउचर, कि जर्नल वाउचर एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, जर्नल वाउचर का यूज़ हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के लिए या फिर ऐसी एंट्रीज पास करने के लिए करते हैं जिनमें बैंक और कैश अकाउंट ना हो। ठीक है, तो जर्नल वाउचर आर यूज टू पास द एडजस्टमेंट एंट्रीज टू एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट विदाउट इन्वॉल्विंग कैश और बैंक अकाउंट। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आर टिपिकली मेड जस्ट बिफोर इशूइंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज कब करते हैं हम, जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो टाइम पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। मतलब जो भी बैलेंस आपको एडजस्ट करना है, ओके, तो वो बैलेंस एडजस्ट करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज किया जाता है। मतलब उसमें कैश और बैंक अकाउंट नहीं होते, मतलब कैश विड्रॉ नहीं की जाती, कैश डिपॉजिट नहीं की जाती, किसी को पेमेंट नहीं किया जाता, बट एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंट्रीज या फिर मतलब जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो पास करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो जर्नल वाउचर एग्जैक्टली क्या होता है। मैं नेक्स्ट सेशन में मैं एक सम और उसके जो जर्नल एंट्रीज है जिसमें सभी वाउचर्स का यूज़ किया गया है, ऐसे सम्स में आपको फॉर्मेट में सिखाऊंगी। सो गाइस, आपका जो कन्फ्यूजन है, जो भी कन्फ्यूजन वाउचर के रिलेटेड है, अभी आपने कंसेप्ट से सीखा है, जर्नल एंट्री कहा है, तो वो भी आपका कन्फ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।